गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ माही एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। आज की वीडियो में मैंने मिंत्रा से शॉपिंग की है। मैंने उनसे विंटर वेयर्स मंगाए हैं और उनकी साइट पे सेल चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर एंड ट्रेंडी पीसेस मुझे बहुत अच्छे रेट पे मिल गए। और यू कैन सी कितने बड़े बड़े पैकेज मुझे रिसीव हुए हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। मैंने स्वेटर मंगाया है, जैकेट मंगाई है एंड मैंने दो स्वेटर वेस्ट मंगाए हैं एंड बहुत कुछ है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस फैमिली को ज्वाइन कर लेना। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस स्वेटर और स्वेट शर्ट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट्स क्रॉप। ये बिल्कुल मेरे ऐसे क्रॉप स्वेट शर्ट आ रही है। इसके ऊपर आपको हाई वेस्टेड जीन्स पहननी पड़ेगी एंड आई लव द कलर ऑफ इट। लाइक इतना क्यूट, इतना प्यारा पाउडर ब्लू कलर में स्वेट शर्ट है। ऐसे यहाँ पे पूरी प्रॉपर चेन दी हुई है जिसका आप एक कॉलर वाला नेक का इफेक्ट दे सकते हो, नेक बना सकते हो। एंड इतना ज़्यादा इसका क्यूट और फरी मटेरियल है, इतना वॉर्म मटेरियल है कि अगर आपका लेयरिंग करने का मन नहीं है, आप सिंपल इसको पहनोगे यू विल फील रियली वॉर्म। और अगर आप इसके ऊपर एक नाइस वाइट जैकेट डालते हो इट विल लुक रियली क्यूट। तो प्राइस होगा मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, बट सारे के सारे मुझे अंडर 1000 पड़े हैं। ये कोई भी 1000 से अबव नहीं है। इन सी कैमरा पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये ब्लू के साथ एक थोड़ा सा ना इसमें वाइट और सिल्वरिश काइंड का थोड़ा सा ऐसे ब्लिंक ब्लिंक इफेक्ट आ रहा है, विच आई रियली लव। एंड इसमें यहाँ पे ऐसे पॉकेट दी हुई है, तो पॉकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बस जो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी है वो ये कि मैंने अपने साइज में इसको मंगाया, मैंने एम और एस साइज में, आई मेंशन इट समवेयर, बट इसकी जो स्लीव्स आई हैं वो थोड़ी छोटी आई है। आई लव कि मेरी जो स्लीव्स हो हुडीज़ की वो और ज़्यादा लॉन्ग हो, बट इसकी उसके कंपेरिजन में थोड़ी शॉर्ट है। तो मेक श्योर अगर आप इसको मंगा रहे हो तो आप एक साइज अप कर लेना ताकि आपको स्लीव्स का इशू फेस ना करना पड़े। अब बाकी ओवरऑल आई रियली लव दिस। तो मैं इसको रेट करूंगी 4 out of 5। एक मार्क्स मैंने बस स्लीव्स के लिए काटा है। आपको परचेज करोगे तो डेफिनेटली एक साइज अप कर लेना एंड ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस क्यूट जैकेट। एंड जैसे ही मैं इसको दिखाऊंगी यू विल फेल इन लव विद दिस जैकेट बिकॉज लुक एट दिस, दिस इज इन ब्लैक कलर एंड इट्स अ क्रॉप जैकेट। और इसका जो ब्रांड है वो है सिसफरास एंड द क्वालिटी इज रियली नाइस, द लुक ऑफ इट इज रियली नाइस। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी पीस ये है, बहुत ही ज़्यादा यू नो स्टाइलिश और क्यूट एट द सेम टाइम जो लग रही। एंड इसका बैग भी सेम है एंड ये थोड़ा ऐसे टेडी मटेरियल में है, फरी फरी मटेरियल में है एंड पूरा ओपन ऐसे जिप हो जाती है। और बाय द वे ये ऐसे पूरा हाई नेक बन जाता है, पूरा ऐसे ओपन हो जाता है। ऑफकोर्स ये जैकेट है तो ओपन हो जाती है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अंदर से इसका मटेरियल कुछ ऐसा है एंड ऊपर से इसका ऐसे टेडी मटेरियल है, बहुत ज़्यादा वॉर्म है। इसकी स्लीव्स का कोई इशू नहीं है, इसकी स्लीव्स बिल्कुल प्रॉपर लेंथ में है। एंड जो मैंने इसका साइज मंगाया है वो मैंने मंगाया है एम साइज, सो आई वांटेड अगर मैं इसको लेयर भी करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो इसको लेयर करने में, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको एम साइज में मंगाया। अगर आपको भी थोड़ा सा ना इस टाइप में जैकेट चाहिए यू नो थोड़ी क्रॉप में और आपको एक अच्छी सी नाइस जैकेट चाहिए, डेफिनेटली गो फॉर इट। आई रियली लव दिस और मैं इसको डेफिनेटली 5 में से 5 रेट करूंगी बिकॉज देयर इज नथिंग कि इसमें अच्छा ना रिसीव हुआ हो। आई रियली लाइक दिस जैकेट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट। नाउ यू नो कि स्वेटर वेस्ट इस साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहे हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट उनके प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्राइसी साइड पे है, सो मैंने अभी तक परचेज नहीं किया था। बट यू नो व्हाट, मैंने इस वीडियो में 2 स्वेटर वेस्ट इंक्लूड करे हैं बिकॉज मुझे वो इतने अच्छे प्राइस पे मिल गए। सो या लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। मैंने मिंत्रा से H&M का स्वेटर वेस्ट मंगाया है। दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत ज़्यादा प्रिटी। और मैंने ये एस साइज में मंगाया है एंड यू कैन सी द लेंथ इज क्वाइट गुड
एंड मुझे ना इसका नेक का ये लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा ऐसे बंद टाइप में आ जाएगा, बट इट्स क्वाइट डीप, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा रिसीव हुआ है. एंड ऑफकोर्स H&M से है तो क्वालिटी तो बहुत ज्यादा टॉप नोच होने वाली है. डिजाइन इसका कुछ ऐसे दिखता है, पूरा निटेड मटेरियल में ये स्वेटर वेस्ट है. We love the quality, the color, the fit, everything. The original price है वो 800 है, but I think ये मुझे 500 something का पड़ा है, so I think it's a really good deal. The next product is cute sweatshirt. इस haul में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद ना आया हो. I love everything जो भी मैंने receive किया है और जो भी मैंने मंगाया है. So अगर आपने मेरा आजियो वाला haul देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्लीव्स ऐसे अलग अलग कलर्स में होती है मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. इसका जो ब्रांड है वो है रोडस्टर एंड जो इसका साइज है वो है S एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. कैमरा पे ये थोड़ा डार्क लग रहा है बट इसका जो कलर है वो बहुत ही ऐसे ये जो इसका कलर है ये बेबी पिंक कलर में है, बहुत ही लाइट बेबी पिंक कलर. लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि S साइज में है उसके हिसाब से लेंथ बहुत अच्छी है. थोड़ा ओवर साइज वाला लुक इसका आता है. ऐसे टेडी टाइप के मटेरियल में ना बहुत ही ऐसे एफर्टलेसली और बहुत ही ऐसे कोजी कोजी वाली फीलिंग आ जाती है. ओवरऑल आई रियली लव दिस स्वेट शर्ट, बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज रियली नाइस. सो आर लास्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ स्वेटर वेस्ट एंड इट इज फ्रॉम टोक्यो टोकीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये मिंत्रा पे भी ये आपको ब्रांड और ऑलमोस्ट आपको हर साइट पे ब्रांड मिल जाएगा. आई लव देयर टॉप्स एंड देयर कलेक्शन इज क्वाइट नाइस एंड अफोर्डेबल. बाय द वे दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ कलर, वेराइटी ऑफ चॉइस होती है तो अच्छा लगता है. बाकी दिस इज हाउ इट लुक्स. ये वी नेक में है, इसकी जो इसका जो मटेरियल है ना वो उस वाले वैसे थोड़ा सा थिन है. लाइक वो वाला ऐसे बिल्कुल निटेड टाइप में था तो वो आई थिंक आपको ज़्यादा वार्म रखेगा. आई डोंट नो, पहनने के बाद जब मैं इसको थोड़ा लंबे टाइम तक पहनूंगी तो मुझे पता चलेगा. अदरवाइज इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा थिन है. दिस इज हाउ इट लुक्स एंड बैक से भी ये ऐसा ही लगता है. इसका जो डिज़ाइन है वो इस टाइप का डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है एंड आई रियली लव द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग. आपको भी वी नेक में स्वेटर वेस्ट चाहिए जिसमें कि आप ऐसे कोल्ड वाला कुछ भी पहन सको या नॉर्मल कैसा भी, जैसे भी आप इसको स्टाइल करना चाहो आप अपने साइज में ही मंगाना, अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बाकी मैं इसको रेट करूँगी 4 out of 5 क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा है बट इतना भी अच्छा नहीं लगा है जितना मुझे H&M वाला लगा है. दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. ओके गाइज, सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स और ये हॉल पसंद आया हो. अगर आपको हॉल पसंद आया है देन प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आप कमेंट भी छोड़ सकते हो कि कौन सा क्लोथिंग पीस सबसे ज्यादा अच्छा लगा है एंड कौन सा यू वॉन्ट टू बाय. सो यार लिंक्स जो होंगे मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. सो यार अंटिल आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय.